Hi. Excited or not today? हिंदी में बोले चलो ठीक है. कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौतम गुप्ता. मैं प्रोफेशन से एक सिविल इंजीनियर हूं और मैंने अपना बीटेक और मास्टर्स ये सिविल इंजीनियरिंग में ही किया है स्ट्रक्चर्स के अंदर. मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा करियर पाथ किस तरीके का रहा और आप लोगों के लिए एक तरीके का मोटिवेशन है कि आप भी इस तरीके का करियर पाथ अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो. तो चालू करें. मैंने अपना इंजीनियरिंग मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया 2003 में और उसके बाद मैंने गेट का एग्जाम भी दिया. ऑल इंडिया रैंक 37 भी आया और उसके ही बाद से मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खुल गए. मैंने अभी अपना एमटेक स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट किया और उसमें ऑनर्स डिग्री भी मिली. सो करियर पाथ बताने के लिए सिविल इंजीनियर के लिए बहुत सारे करियर पाथ होते हैं. ना ही कि खाली कंस्ट्रक्शन में हमको जाना है, बट देयर आर जियोटेक भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, रिमोट सेंसिंग भी हो सकता है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो सकता है. तो डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोगों को क्या चाहिए. तो जैसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा. ओके, तो जब देखो आप एजुकेशन, जैसे कि मैंने बताया मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया, वहां पे भी ऑनर स्टूडेंट और उसके बाद गेट ऑल इंडिया रैंक 37 आने के बाद मेरा करियर पाथ पूरा चेंज हो गया था. इस करियर पाथ में मैंने बालको भारत एल्यूमिनियम कंपनी जो कोरबा में प्रेजेंट है और इसमें एज अ इंजीनियर ज्वाइन किया और एक बड़े ही प्रोजेक्ट में जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर था एल्यूमिनियम स्मेल्टर का, उसका एक पार्ट रहा. ओके, फिर इसके बाद दूसरी कंपनी जिसमें एज अ कंसल्टेंट रिमोट सेंसिंग एजेंसी थी. जो टेक्नोलॉजी आप आज के डेट में यूज करते हो अपने गूगल मैप्स में नेविगेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको जाना है, उस टेक्नोलॉजी पे हमने वर्क किया. बट किस साल में वर्क किया? 2004 के. और आप यूज कब कर रहे हो? इंडिया में वो टेक्नोलॉजी आए हुए खाली अभी 2010 के बाद से ही चालू हुआ, जब से एंड्रॉइड फोन्स आए आपके. तो जो काम हमने इतने साल पहले किया उसका इफेक्ट आज आप देख रहे हैं. तो सोचो कितना एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी आज की डेट में. फिर इसके बाद एलएनटी लार्सन एंड टूब्रो. ओके, एलएनटी आपको मालूम है एलएनटी कौन सा ग्रुप है? एलएनटी इंडिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन ग्रुप है और इस कंस्ट्रक्शन ग्रुप में, ठीक है, आपके रेलवे का प्रोजेक्ट होता है, हाईवे के प्रोजेक्ट होते हैं, आपके डैम के प्रोजेक्ट होते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं. क्लियर? सो इसका एक छोटा सा पार्ट था जो कि आपका रेलवे का प्रोजेक्ट था जिसमें हमने वर्क किया, जो कि आपकी एक व्हील फैक्ट्री का था. तो इसका पूरा प्रोजेक्ट और एक श्रीलंकन गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट. बट ये तो बहुत छोटी चीजें थी. इसके बाद जो देखेंगे वो एक सिविल इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको इतना इनकम मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि सॉफ्टवेयर वाला कितना कमाता है. 20,000-30,000 रुपए महीने पे आपको नहीं रुकना है. आपको रुकना है, आप अर्न करो 1,00,000 रुपए, अर्न करो 2,00,000 रुपए, अर्न करो, लेकिन अपनी वैल्यू को बढ़ाओ. तो जो दूसरा मेरा पाथ था वो था फ्लो डेनियल पेट्रोफैक टेक्निमोंट नागन. ये कुछ कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज के नाम हैं ये, जो कि मल्टीनेशनल्स हैं, जो ऑयल एंड गैस और न्यूक्लियर ये सब सेक्टर्स में काम करते हैं इंडिया एब्रॉड, ठीक है, दुबई सऊदी हर जगह पे इनके प्रोजेक्ट चलते हैं. So, आपका जो करियर पाथ होना चाहिए वो भी एक डिफाइंड पाथ होना चाहिए, मतलब आपको क्या करना है, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है,
ये नहीं कि बस हम एक साइट इंजीनियर बन के अपनी लाइफ पूरी वैसे बिता दें। अगर आप साइट इंजीनियर खाली बनोगे कितना कमाओगे, थोड़ा सा लाइफ में डायनामिज्म लेके आओ। खाली एक ही रूटीन वर्क पे मत जाओ कभी भी। सिविल इंजीनियर रॉयल होते हैं, तो आपको रॉयल की तरफ बिहेव भी करना है। दैट इज गेट। गेट होता क्या है? गेट का फुल फॉर्म जो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये जो क्वेश्चन है, कई जन जो गेट एग्जाम देते हैं उनको भी मतलब फुल फॉर्म नहीं मालूम होता। बट कई बार ऐसी भी चीज होती है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हो किसी पर्टिकुलर आईआईटी में आईएससी में जाने के लिए, तो आपको ये चीज भी पूछ ली जाती है। तो आज हम देखते हैं कि गेट में प्रोसीड कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सो हम तीन टॉपिक पे बेसिक फोकस करेंगे। एक है इसका प्रोसेस, दूसरा है कैसे हमको इसमें प्रोसीड करना चाहिए, और तीसरा है इसका फॉर्मेट। प्रोसेस के बारे में बात करें तो गेट में अप्लाई करने का खाली एक सिंगल प्रोसेस है और वो होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन ये अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आपको इंटरनेट बेस के थ्रू आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको जो एग्जाम रहेगा, आपका एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक तक हो जाता है। देन दूसरी चीज जो है वो है किस तरीके से हम प्रोसीड करें। तो अगर हम प्रोसीड को देखें, सो प्रोसीड करने के लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। हो सकता है आपने अपनी चार साल की इंजीनियरिंग में आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हो, आपने कॉन्सेप्ट गेन करने की कोशिश की हो और आपके मार्क्स भी जो थे वो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स के बेसिस पे थे। सो गेट एग्जाम जो कि फरवरी में होगा, तो उसके 6 महीने पहले आपको खाली 6 महीने की रिक्वायरमेंट है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो। सो इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड तो ओनली यू रिक्वायर 6 months। इन 6 महीने में भी जो 5 महीने हैं, पहले 5 महीने आप किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसे पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए, वो आप फोकस करें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन आखिरी का 1 महीना जो है वो खाली अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दें। उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट या कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आखिरी का 1 महीना बहुत क्रूशियल होता है और उसमें आपको अपना माइंड एकदम काम रखना है, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है उसमें। और जितना भी आपका प्रिपरेशन था, पूरा का पूरा आपका जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन था, वो दिसंबर महीने के पहले खत्म हो जाना चाहिए। दिसंबर के बाद के लिए कुछ मत रखो, नहीं तो आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाओगे। सो 5 महीने सफिशिएंट है आपको आपका पूरा करिकुलम रिवाइज करने के लिए, और आखिरी का 1 महीना जो है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। लेकिन कई जन होते हैं जो कि हमारी आदत भी होती है कि हम कॉलेज डेज में एक आदत होती है कि हम रात को पढ़ते हैं और अगले दिन जाके एग्जाम देते हैं, नाइट आउट करते हैं। लेकिन ये जो है गेट के लिए सफिशिएंट नहीं है। गेट में अगर आप अच्छी हैंडराइटिंग लिखना जानते हो, आप लंबे लंबे आंसर लिखना जानते हो, तो ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होता गेट के लिए। गेट के लिए काम आती है आपकी कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि गेट एग्जाम जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। आप अच्छी हैंडराइटिंग में लिखोगे आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट होती है गेट में कि हमको कैसे राइट आंसर पे आना है और उसको आने के लिए हमको किस कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो जिन स्टूडेंट्स ने 4 साल में अपने कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट नहीं किया, उनके लिए भी ऐसा नहीं है कि आईआईटी या आईएससी में जाने की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हो, उनके लिए पास भी अपॉर्चुनिटी है। कैसे? आप बस थोड़ा सा और ज्यादा प्रिपरेशन करो, 12 महीने दे दो। 12 महीने देने से क्या होगा? 12 महीने में एटलीस्ट 8 महीने आप जी जान लगा के अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करो। फिर उसके बाद जो आपके 3 महीने हैं, 3 महीने जो बचते हैं,
तीन महीने में आप पुराने क्वेश्चंस को स्टडी करो, उसके पैटर्न्स को देखो, और आखिरी का जो एक महीना है उसमें अपने दिमाग को शांत रखो और ऑनलाइन टेस्ट दो। काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि आपको ऑनलाइन टेस्ट का मोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल कराएंगे, या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे हमारी भी है वो क्या करते हैं, आपको ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड कर देंगे, आप उसमें से टेस्ट दो, अपना रिजल्ट देखो। सो ये एक प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। नाउ जो तीसरा पॉइंट था फॉर्मैट। सो व्हाट इज द फॉर्मैट ऑफ द गेट एग्जाम। जो गेट एग्जाम का फॉर्मैट होता है, इसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। इन 100 मार्क्स के पेपर को हम तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है आपका मैथ्स, एक हो जाता है आपका एप्टीट्यूड, और एक हो जाता है आपका टेक्निकल। मैथ्स और एप्टीट्यूड का जो वेटेज है वो होता है 30 मार्क्स, और जो टेक्निकल का वेटेज है वो होता है 70 मार्क्स। ये फॉर्मेट होता है। जो भी आप चार साल में पढ़ रहे हो, आपके फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है। नाउ ये जो फॉर्मेट है, इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है, ओके 100 मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। बट एक और चीज होती है, 1/3 जो होता है वो होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें 1/3 मार्क्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। सो अगर कोई बोलता है कि आपको नहीं आता तो आप एक अटेम्प्ट ले लो, जो भी अच्छा लग रहा है उसको टिक कर दो, तो ये गलती आप सोच के भी मत करो। 99% चांसेस होते हैं आपको अगर किसी में भी डाउट हो, आपने उसको मार दिया टिक, तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है खाली उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक नंबर का डिफरेंस भी आपके रैंक्स को 1 लाख के अंदर में वेरी कर देगा। मैं आपको कुछ चीज पूछूंगा, ऐसी चीज जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग, क्या सिविल इंजीनियरिंग एक डाइंग प्रोफेशन है? क्या सिविल इंजीनियरिंग धीरे धीरे खत्म हो रहा है? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता होगा कि क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमारा सिविल इंजीनियरिंग जिसको हम क्या बोलते हैं रॉयल, क्या वो खत्म हो गया? तो आज मैं आपको एक जस्ट एक चक्रव्यूह दिखाऊंगा, आप वो चक्रव्यूह देखो और फिर अपना डिसीजन खुद लेना कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ध्यान दीजिए, 1947, क्या हुआ था 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, और आजादी के बाद हमने सारे के सारे जितने भी अपने एक्टिविटीज हैं, जितना हमको अपने कंट्री को ग्रो करना था वो हमने अपने हाथ में लिए थे। ठीक है। सो इंडिपेंडेंस के बाद 1960s तक, ओके, सिविल इंजीनियरिंग जो था, सिविल इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। क्यों? क्योंकि आदमी को खाली तीन चीजों की जरूरत थी उस समय, रोटी खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, और एक मकान। तो मकान कौन देगा, मकान कौन देगा, एक सिविल इंजीनियर। सो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो सिविल इंजीनियरिंग था वो अपने पीक पे था और उसी की बेसिक रिक्वायरमेंट थी, लेकिन धीरे धीरे सिविल एग्रीकल्चर ये सब जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होता गया, 1960 से 1965 तक, यहां पे फिर हमको कुछ टूल्स की भी रिक्वायरमेंट हुई, कुछ इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट हुई, तो मैकेनिकल और मेटलर्जी ये फोकस में आया, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग तभी भी था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री को बनाने के लिए सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट थी। तो 1965 में आपका मैकेनिकल ये काफी इंपॉर्टेंट था।
फिर धीरे धीरे जैसे अपना चक्रव्यूह बढ़ता गया, 1965 के बाद अप्रोक्सीमेटली 1970s में रिक्वायरमेंट क्या हुई, इलेक्ट्रिकल की, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के बाद जैसे जैसे और चक्रव्यूह बढ़ा, 1980 में जो भी चीज हमने बनाई थी उनको मैनेज करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। सो यहां पे आपका जो मैनेजमेंट है वो फोकस में आया और डेवलपमेंट होते गए, और 1990s में आपका कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी आई। लेकिन अब जैसे जैसे चक्रव्यूह आगे बढ़ता गया आज की डेट में मींस 2010 के बाद अब जो रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग यहीं पे खत्म हो गया था। अब जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी के साथ सिविल को मिलाने की। तो काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम अपने बीटेक कोर्स में नहीं पढ़ते, नई नई चीजें आ गई हैं जो कि हम बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ते, बट उसके लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको हायर एजुकेशन पे जाना है। हायर एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है, IITs, ISC, कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी, बट ये आपके ऊपर है कि आपको किस कॉलेज में जाना है, किस लेवल की पढ़ाई करनी है। टेक्नोलॉजी और सिविल, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आज की डेट में सबसे मजबूत कॉम्बिनेशन है। सो सिविल इंजीनियरिंग खत्म नहीं हुआ, बस एडवांस हो गया है। और कैसे एडवांस हुआ है, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है सिविल में, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। ओके, सो व्हाट वी कैन से, सिविल इट इज स्टिल अलाइव, इट इज नॉट अ डाइंग प्रोफेशन, इट इज स्टिल अलाइव। ओके, चीयर्स।